साइबर पेट्रियोटिज्म एक शायद शब्द है, डिजिटल देशभक्ति जो हमने कॉइन किया है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि कोचर साहब आप करते क्या हो, आप पढ़े लिखे क्या हो, तो पहली चीज़ मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं अर्थशास्त्री तो हो ही नहीं सकता, 12वीं पास हूँ। पहली नौकरी जो थी मेरी एक बेलबॉय की थी, कुली कहते हैं, जो 5-स्टार होटल में कुली होता है उसको बेलबॉय बोलते हैं। ताज पैलेस में मैं लोगों का सामान उठाता था, बट वो एक ऐसा चौराहा था, 5-स्टार होटल जो देश के होते हैं ऐसा चौराहा होते हैं जहाँ से जितने जाने माने समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री हैं वो गुजरते हैं, और उन लोगों का सामान उठाते उठाते थोड़ा बहुत समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र शायद मैं भी सीख गया। तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। गरीबी का मेरा बचपन से बड़ा घनिष्ठ नाता है, जो आदमी एक टाइम खाने को है दूसरे टाइम खाने को नहीं है, अगर 17 साल ऐसे रहा हो तो शायद गरीबी क्या होती है, गरीब का दर्द क्या होता है ज़्यादा समझ पाता है। पर आज की जो बात है, आजकल के माहौल में बात हो रही है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, कि अब हमने गरीबी हटाओ की बात नहीं करनी है, अब हमें अमीरी लाओ की बात करनी है। और काफ़ी समय से मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि 2018 दिसंबर में मैंने ही एक पुस्तक लिखी थी इंडिया 2030, जिसमें मैंने ये रोड मैप दिया था कि भारत जो है 10 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे हो जाए 2030 तक। तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024 तक पॉसिबल है। इस चीज़ में शायद किसी का भी विश्वास नहीं था, एक मोदी जी का इसमें पूरा विश्वास है, शायद उनके मंत्रिमंडल का इसमें पूरा विश्वास है, और सरकार के बाहर सिर्फ जो इस नंबर से जूझ रहा है और बोल रहा है कि ये हो जाएगा, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि ये हो जाएगा, वो शायद मैं हूँ। 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक करने के लिए अब से 2024 से शायद हमें 8-9% ग्रोथ हर साल की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी ग्रोथ क्या 8-9% क्या इस देश में कभी नहीं हुई? आंसर इज नो। ये ग्रोथ तो हम देख चुके हैं। ये ग्रोथ करने के लिए हमें पूंजी चाहिए, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जिसको कहा जाता है, 34% की हमें ज़रूरत है। तो क्या 34% ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इस देश में कभी नहीं हुई? ये भी गलत है, उससे ज़्यादा भी इस देश में हुई हुई है। अब सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको इतनी ग्रोथ करनी है और इतनी आपको कैपिटल की ज़रूरत है, तो हमारी तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 28% रह गई है, हमारी जो है फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो सरकार के पास पैसा कहाँ है? तो वी द पीपल करके एक कार्यक्रम आता है एनडीटीवी का काफ़ी लगाव है मोदी जी से और उनकी पॉलिसीज से, तो वो काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर देते हैं और उनको जो है आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो शायद सरकार के पक्ष में बोलने वाला सिर्फ एक मैं ही था उसमें, तो मैंने बताया कि ये हो जाएगा और कैसे हो जाएगा मैंने बताया। तो उन्होंने बोला कि जी पैसा कहाँ है? 2 दिन पहले तक सारे ये बोल रहे थे कि देश में पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। 2 लाख करोड़ तो कल आ गया। इसी तरीके से जो हमारा कॉरपोरेट टैक्स रेवेन्यू फोरगोन है, जो कि हम छोटे छोटे टैक्स ब्रेक्स देते हैं, ये नंबर भी 2 लाख करोड़ का है। अगर ये हम बोलते हैं कि आप SEZ में बैठे हैं या आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको ये टैक्स ब्रेक की अब क्या ज़रूरत है? आपके पास वेंचर कैपिटल अवेलेबल है, आपके पास फंडिंग अवेलेबल है, जो कि शायद आपसे 20 साल पहले नहीं थी। तो देश के लिए आप ये छोड़ दीजिए कैपिटल ब्रेक, टैक्स ब्रेक, तो 2 लाख करोड़ वहाँ है। 2 लाख करोड़ के करीब आपको 5G ऑक्शन से आ सकता है, 2 लाख करोड़ के करीब आपके पास PSU डिसइन्वेस्टमेंट से आ सकता है, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। तो करीब 8-10 लाख करोड़ रुपया अनरियलाइज्ड रेवेन्यू पोटेंशियल देश में है। तो अगर आप उसको ना देखना चाहें, आप हर चीज़ को सिर्फ नकारना ही चाहें, आपका अगर एटीट्यूड ही नकारात्मक है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। देशभक्ति का पहला पहलू यह है कि आप देश में विश्वास रखिए, देश की ग्रोथ में विश्वास रखिए, देश के भविष्य में आप विश्वास रखिए। जब तक ये विश्वास नहीं आएगा तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ ये कि जो लोग बोलते हैं कि पूंजी कम है, मुझे नहीं लगता पूंजी कम है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि एक गरीब औरत की पूंजी, जब मैं बच्चा था
मेरी माँ एक गरीब औरत थी, उसके पास सिर्फ 500 रुपया होता था पूरे महीने में पूरे परिवार को खाना खिलाने के लिए। उस जमाने में भी खाना खिलाने में शायद 800 से 1000 रुपया लगता था। 500 रुपये में उसको पता था हम लोग खाना नहीं खिला सकते, आंखों से अंधी थी, बाप पैरालाइज थे पिताजी मेरे, तो ऐसी भी कोई संभावना नहीं थी कि वो लोग कुछ कमा के वो जो है 500 का 800 कर लें या 1000 कर लें। तो 500 रुपये को कैसे खींच खींच के उन्होंने हमें पूरा महीना खाना खिलाया है वो मैंने देखा है, कितनी एफिशिएंटली उन्होंने वो 500 रुपये को यूज़ किया। अर्थशास्त्र में इसको बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यूज़, जो हमारा देश भूल चुका है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप उसको ज़्यादा कैसे चला पाएंगे, अगर आपको 32% या 34% कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए और आपकी सिर्फ 30% हो रही है, तो आप अगर जो आपका आईकॉर इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशियो आज आपका 5 या 6 चल रहा है, अगर आप उसको 3 पे ले आए, उसको आप इतना एफिशिएंटली यूज़ करें तो भी ये ग्रोथ हो सकती है। तो जितने भी मीडिया वाले हैं, अर्थशास्त्री हैं, वित्तीय सलाहकार हैं, वो सारे कैपिटल फॉर्मेशन की बात तो करते हैं पर उसको एफिशिएंटली यूज़ करने की बात नहीं करते। उसको एफिशिएंटली हम कैसे यूज़ करेंगे, उसको एफिशिएंटली हमें यूज़ करना है जो आज का टॉपिक है साइबर पेट्रियोटिज्म। आज की पूरी दुनिया डिजिटल पे चल रही है, टेक्नोलॉजी पे चल रही है, तो जितना ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए, ब्लॉकचेन कह लीजिए, साइबर सिक्योरिटी कह लीजिए, पूरी दुनिया बदल रही है, इससे सारे बिजनेस मॉडल्स बदल रहे हैं। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू क्रिएशन का और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू कैप्चर का। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सब ने सुना होगा, जिसके अंदर बहुत बड़ा एक बिजनेस होने वाला है, आप देखिए कि लाखों की तादाद में हमारे इंजीनियर्स अमेरिका जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट IBM जैसी कंपनीज उनको शायद $100-200 दिहाड़ी पे उनको दिहाड़ी मजदूरी करवा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने सिस्टम को पढ़ा रही हैं। तो जैसे शाहजहां ने ताजमहल बना के लोगों के हाथ काट दिए थे, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा के इनके भी हाथ कट जाएंगे, क्योंकि जिस नौकरी की ये एक ट्रेनिंग दे रहे हैं उस सिस्टम को, वो नौकरी शायद ख़त्म हो जाएगी। और उसके जो कंप्यूटर की जो मिलियन और बिलियन डॉलर और ट्रिलियन डॉलर की जो पूंजी होगी, वो शायद हमारे देश में ना आ पाए, वो सारी की सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के पास रह जाएगी। तो क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं? हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी नहीं हो सकती, ये नया एरिया है, इसमें हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं हो सकता? अगर हमारे लोग अमेरिका में जाके विदेशी कंपनियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, तो ऐसी क्या कमी है हमारे देश में कि वो देश में रह के ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ के लिए नहीं बना सकते? इसीलिए हमने ये टॉपिक लिया है आज साइबर पेट्रियोटिज्म का। जो नया भारत मोदी जी बात करते हैं उसको न्यू इंडिया मस्ट बी बिल्ड बाई इंडियंस। तो जिन लोगों को हमने आज बुलाया है ये हिंदुस्तानी हैं, डॉक्टर फाटक हैं। 20 साल पहले मैंने इन पे जीवनी पे इनकी फिल्म बनाई थी, वो फिल्म का नाम 20 साल पहले भी ये था, जुबां पे IT दिल में इंडिया। और आज हमें ज़रूरत है हर उस नागरिक की जिसकी जुबां पे IT हो, जुबां पे डिजिटल हो, पर दिल में उसके इंडिया हो। इसीलिए ऐसे लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया है जो हिंदुस्तानी होने के बावजूद, हिंदुस्तानी होने के बावजूद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वैसे तो गर्व है हिंदुस्तानी होने का, पर जितनी प्रॉब्लम, जितनी एडवर्सिटीज़ एक हिंदुस्तानी कंपनी को, हिंदुस्तानी बिजनेस को फेस करनी पड़ती हैं, शायद वो किसी को नहीं फेस करनी पड़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली 91 के बाद जो रिफॉर्म हुए हमारे देश में, बहुत कुछ अच्छा हुआ, मेरे जैसे गरीब आगे उठ गए, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ी, बट एक हमारे में रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की मानसिक व्यवस्था आ गई। अगर आप हिंदुस्तानी हैं या हिंदुस्तानी स्टार्टअप हैं तो यू आर नॉट गुड इनफ। अगर आपकी कॉन्फ्रेंस 5 स्टार में नहीं है तो शायद मंत्री जी आपके यहाँ नहीं आएंगे, या कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं आपके पास नहीं आएंगे। अगर आप फायर साइड चैट नहीं करते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विदेश में कैसे चल रही है उसकी बात नहीं करते हैं, देश में कैसे चल रही है की बात करते हैं, तो शायद जो बड़े बड़े बाबू लोग हैं सरकार के जो पॉलिसी बनाते हैं, आपकी कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। हम लोगों ने अपनी जेब से पैसा खर्च के, अपनी मेहनत करके 250 सरकारी अफसरों को पूरे देश से बुलाया है। 4 महीने लगते हैं,
जाके लोगों को मिलो, उनको समझाओ हम क्या करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सरकार यहाँ नहीं है, यहाँ पे रेलिवेंट सरकार है। हमारी कॉन्फ्रेंस में वो लोग आए हैं जो कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर आईटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और इन्होंने ही जाके आगे आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन को बनाना है। हमारे में वो ताकत नहीं है कि हम एक शाही फरमान जारी कर दें कि कोई मंत्रालय का सर्कुलर आ गया कि जी ये विदेशी कंपनी के सीईओ आ रहे हैं, इनसे आप ज्ञान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और 400 सरकारी अफसर सारे देश का काम छोड़ के वहीं पे बैठे हुए हैं। कई जगह तो हमने ये देखा कि पूरा मंत्रालय ही वहाँ पे बैठा हुआ है। अब ये बताइए कि अगर पूरा आईटी मंत्रालय एक कमरे में माइक्रोसॉफ्ट का भाषण सुन रहा है तो देश में आईटी का काम कौन कर रहा है? सोचने की बात है और शर्म की बात है कि इसको जो है हमारे देश का नागरिक एक टैक्स पेयर मनी से सब्सिडाइज कर रहा है। कल हमने एक स्टेटमेंट देखी कि 5,000 अफसरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रोसॉफ्ट वाले पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो माइक्रोसॉफ्ट का टेंडर लिखेंगे, ये गलत बात है। जो हमारे देश के टेक्नोलॉजी वाले हैं, जो इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो पीटी साहब की ब्लॉकचेन है, उसका टेंडर कौन लिखेगा, उसको कौन समझाएगा? ये बीड़ा हमने उठाया है स्कॉच डेवलपमेंट फाउंडेशन से। 250 लोग आज ट्यूटोरियल लेंगे यहाँ पे हिंदुस्तानी तकनीक पे, हिंदुस्तानी ब्लॉकचेन का, हिंदुस्तानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्या आप ये भी देखिए, वो भी देखिए। मैं मल्टीनेशनल्स का बहिष्कार करने की बात नहीं कर रहा, वो काम शायद अश्विनी महाजन जी का है, बट एक सेंस ऑफ बैलेंस तो हो। हम अपने लोगों की टांग हाथ पैर काट के बोलने कि आप दुनिया में जाओ, आप कंप्लीट करो, ये मेरे को मानने नहीं है। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हिंदुस्तानी कैसे करेंगे, इसके ऊपर जो है आज का हमने विचार गोष्ठी रखा है। अब समय कम है, अश्विनी जी आप थोड़ा लेट हैं, पर आपके 3 हैं टॉपिक बात करने के, 3 दफ़े मैं आपको समय दूंगा, तो पहले मैं आपको ही आमंत्रित करूंगा। आप काफ़ी दिनों से ट्वीट कर रहे हैं कि वो चाइनीज़ कंपनी है, कोई क्या नाम है, हवाई पता नहीं, हवा हवाई है, हवाई है पता नहीं क्या है, उनकी कॉन्फ्रेंस होती है तो इन्होंने तो खुद सरकार को लताड़ा है, सब बैठ जाते हैं। अब कल किसी विदेशी कंपनी की फायर साइड चैट हो रही थी ताज पैलेस 5-स्टार होटल के अंदर, जहाँ पे 5,000 रुपये पर हेड कम से कम वहाँ पे लगा होगा उनको। एक लॉ है FCRA, FCPA, जिसमें $25 से ज़्यादा विदेशी कंपनी भारत सरकार पे नहीं खर्च सकती। वो लोग कैसे कर रहे हैं मुझे तो मालूम नहीं है, शायद नहीं किया होगा, सस्ता बहुत डिस्काउंट मिला होगा। $25 कितने रुपये होते हैं? जितने भी होते हैं 5,000 से शायद बहुत कम होते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि इस टाइप की ग्रेटिफिकेशन के लिए, 5-स्टार के खाने पीने के लिए हमारे सरकारी अफसर ना जाएं। हमारे यहाँ तो सात्विक भोजन है, शाकाहारी दाल रोटी सब्जी आपको मिलेगी, उसके लिए आप आमंत्रित हैं। उसके लिए आप, उससे पहले मैं अश्विनी जी को बोलूँगा कि संक्षेप में 10 मिनट में, क्योंकि पंसा आपको निकलना है, अगर आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।